बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ रहे हैं और आज हम कन्वर्जन का पार्ट सी करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं, यहाँ पे 5 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, 90 नैनो सेकेंड्स इनको मिली सेकेंड्स में करना है, और 70 माइक्रोग्राम्स है उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी प्रीफिक्स है और यहाँ पे भी प्रीफिक्स है, दोनों साइड पे प्रीफिक्स है। तो अब हमको प्रीफिक्स एक अगर गिवन भी हो और उसको रिमूव भी करना हो, ये एक चीज़ को हमने ऐड भी करना है और रिमूव भी करना है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे तो देखते हैं। इसके अंदर दोनों पार्ट ए और पार्ट बी का कॉम्पोजिशन है। तो 5 किलोमीटर्स है ये हमारे पास गिवन है, तो अब ज़रा देखिएगा इस क्लो की वैल्यू होती है, क्लो की वैल्यू होती है 10^3 और सेंटी की वैल्यू होती है 10^-2। ये इस पे अगर आप गौर करेंगे तो अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं। ये किलोमीटर इसके साथ था तो मैं इस के को यहाँ ले जाता हूँ, अगर इसको तो यहाँ पे मैंने के को मूव कर दिया, तो के को मूव करने से उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर मैं C को यहाँ पे लिखता हूँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं सेंटीमीटर की जो सेंटी की वैल्यू है वो यहाँ पे डिवाइड कर दे दूँ, यानी पार्ट A और पार्ट B के अंदर जो हमने किया था वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 10^3 × 10^2, ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव हो गया, बेसिस सेम पावर ऐड कर देंगे 10^5 हो गई और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको मज़ीद अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 5 × 10^5 = 5 के बाद 50 और ये सेंटीमीटर्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे नैनो सेकेंड्स को मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, नैनो का क्या मतलब है 10^-9 और मिली का क्या मतलब है, मिली का मतलब है 10^-3। यहाँ से इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये 90 नैनो सेकेंड्स को मिली सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे लिख दिया नैनो सेकेंड्स। अब इस n को अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये बन जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ से n को मूव करते हैं और ये बन गई इसकी वैल्यू -9 है। अगर मुझे यहाँ पे m लगाना है, मिली लगाना है, तो मिली की वैल्यू को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं मिली की वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ 10^-3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 90 × 10^-9 और डिवाइड बाय 10^-3 है। अब इसको क्या करते हैं, इसको मूव कर देते हैं नीचे, 10^-9 ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा और 10^-3 वो अपनी जगह पे, ये डिनोमिनेटर में आया उसका साइन पॉजिटिव हो गया। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे 90 × 10^6। अब 90 को 1,000,000 से डिवाइड करना है, इसके अंदर है 6 ज़ीरो, तो एक स्टेप मज़ीद आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको अगर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करना चाहें तो अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। तो 90 / और 1,000,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.00009 और ये मिली सेकेंड्स बन गया। अब हम ये वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू 70 माइक्रोग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे मैं माइक्रो की वैल्यू लिख दूँ, माइक्रो की वैल्यू है -6 और किलोग्राम के किलो की वैल्यू है 10^3। किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 70 और इसके साथ लिख दिया माइक्रोग्राम्स। क्या करेंगे,
माइक्रो की जो वैल्यू है, माइक्रो को अगर इसके यहाँ पे मूव कर दें तो माइक्रो की वैल्यू लिखनी पड़ जाएगी, ये हो गया 10^-6 ग्राम बन गया वो। और अगर यहाँ पे मुझे के लगाना है तो के की जो वैल्यू है वो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर के को मल्टीप्लाई किया ग्राम के साथ तो के की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए 10^3। अब क्या करते हैं आप, इसको अगर इसको नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से मैं बता सकता हूँ। 70/10^6 और यहाँ पे 10^3, ये हो गया किलोग्राम्स, ये हो गया 70/10^9। अब इसके अंदर हैं 9 जीरोज, तो 70 divided by, और इसको डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर में ये डिवाइड नहीं होगा, नॉर्मल कैलकुलेटर में ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो 8-digit कैलकुलेटर होता है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, वो भी मैं आपको तरीका यहाँ पे भी बता दूंगा कि यहाँ से अगर इसको दूसरे तरीके में इसको कन्वर्ट करें, अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे वो बता दूँगा। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे मैंने इसी तरीके से किए थे तो आपको समझ में आ जाए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.000007 और किलोग्राम। और अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको, ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है यहाँ, अब यहाँ पे अगर इसको करेंगे यहाँ वाले को, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 70 × 10^9 - 9 या 70 × -9। और अब इस पॉइंट यहाँ पे इसका पॉइंट है यहाँ पे, तो अगर कोई नंबर के आखिर में आखिरी जो डिजिट होता है उसके बाद अगर हमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, वहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो इसको हम 1 digit मूव करेंगे। और अगर ये आपको स्टेप समझ में नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, तो ये 7.0 यानी 7.1 digit पीछे आ गया, इसको हमने पीछे कर दिया तो इसके वैल्यू में 1 digit का इजाफा कर देंगे यानी प्लस वन कर देंगे। इसको हमने इस वैल्यू को हमने छोटा किया है, 70 से 7 बनाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर 10 का इजाफा कर देंगे जिसकी वजह से ये हो जाएगा -8। सही, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।